गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि मालवेयर क्या होता है एंड उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट कर पाते हो एंड एंटीवायरस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मालवेयर। बेटा जो ड्रम है आपकी मालवेयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स मलेशियस एंड द सॉफ्टवेयर। जो आपकी ड्रम है मालवेयर वो दो वर्ड्स से मिलकर बनी हुई है, मलेशियस से एंड सॉफ्टवेयर से। अब डिस्कस करते हैं कि मालवेयर होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज द डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द ओनर्स नॉलेज और कंसेंट। मतलब हम क्या बोलते हैं बेटा, मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें किस तरह पर्पज से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो आपके सिस्टम को या फिर आपके डाटा को किसी भी तरीके से क्या कर सके, डैमेज कर सके विदाउट द ओनर्स परमिशन की। मतलब जो ओनर है, जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो उसके नॉलेज में आए बिना उसके सिस्टम को डैमेज करना किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में आता है? मालवेयर में आता है। मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाइवेयर एंड अदर मलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर। मालवेयर के अंदर बेटा सारे के सारे वायरसेस आते हैं आपके। जितने भी आपने टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके वॉर्म वायरस है, ट्रोजन हॉर्सेस है, स्पाइवेयर है, वो सारी टर्म्स भी किसके अंदर इंक्लूड रहती हैं? आपकी मालवेयर के अंदर इंक्लूडेड रहती है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करोगे वायरसेस से। सो प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अपने सिस्टम को बेटा वायरस से प्रोटेक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव ऑलरेडी नो हाउ वायरसेस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ दे स्प्रेड। आपने पहले भी डिस्कस कर लिया बेटा कि किस तरीके से जो वायरसेस होते हैं वो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं एंड किस तरीके से वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जो हमारी इलीगल वेबसाइट्स को विजिट करने पे वायरसेस आते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अगर आपने बेटा कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स या सीडी यूज़ कर लिया तो भी आपके सिस्टम के अंदर वायरसेस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस कीप इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। जब भी आपके सिस्टम के अंदर अगर क्या आ गया बेटा, आपको क्या करना है, वायरस से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। फर्स्ट क्या आता है, डू नॉट यूज़ द सीडी और द पेन ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम अदर पर्सन। बेटा अगर कोई दूसरा पर्सन आपको सीडी या पेन ड्राइव ऑफर करता है यूज़ करने के लिए, तो उसके आपको सीडी या पेन ड्राइव कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए अनलेस यू आर सर्टेन दैट द डिवाइस डज नॉट कंटेन अ वायरस। जब तक आपको ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि उस सिस्टम के अंदर क्या नहीं है, वायरस नहीं है, कि वो जो सीडी एंड पेन ड्राइव है वो इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा, डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स और अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन रेप्यूटेड सोर्स ऑन द इंटरनेट। कि मतलब जो लीगल जो साइट्स हैं, ठीक है, जो लीगल साइट्स हैं उनसे ही आपको अपना स्टफ़ डाउनलोड करना चाहिए। जो इलीगल साइट्स हैं, जो नॉन रेप्यूटेड साइट्स हैं, उनसे आपको कोई भी स्टफ़, चाहे वो प्रोग्राम्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवी से रिलेटेड हो, आपको कुछ भी वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ द अटैच्ड फाइल्स यू रिसीव इन योर ईमेल। बेटा जो आपको अटैच्ड फाइल ईमेल के साथ रिसीव्ड होती है उनके से रिलेटेड आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई स्पैम मेल आता है आपके पास तो उससे जो अटैच्ड फाइल उन्हें आपको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन ओनली दोज फाइल्स सेंड बाय द पीपल यू ट्रस्ट। आपको सिर्फ ओनली उन्हीं मेल्स को ओपन करना चाहिए जो क्या होते हैं बेटा, ऑथराइज यूज़र से आपके पास आते हैं। ठीक है, उन पर्सन से आपको मेल आ रहा है जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम, कि मतलब आपको अपने सिस्टम को हर किसी पर्सन को यूज़ नहीं करना देना चाहिए। आपको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए कि सिर्फ यही लोग इस सिस्टम को यूज़ कर पाते जिन्हें आप ट्रस्ट करते हो। नेक्स्ट आता है बेटा, इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। आपको हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस डाल के रखना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, जो डिवाइसेस आप ऐड करते हो उनको वो स्कैन कर सके। अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आया है उसको स्कैन करके वो रिमूव कर सके। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड है बेटा कि एंटीवायरसेस क्या होते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम चेक द फाइल ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट द वायरस एंड ऑल्सो रिमूव देम। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होते हैं बेटा, एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की जितने भी फाइल्स होती हैं उन्हें चेक करते हैं, उनके अंदर वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, उनका पता लगाते हैं एंड अगर कोई वायरस है आपके सिस्टम के अंदर तो उसको क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। There are many antivirus program available in the market. You may install an antivirus program on your computer in order to prevent it from being attacked by computer viruses. ने ये बोला है बेटा कि मार्केट के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के अलग अलग क्या आए हुए हैं, आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं। आप बेटा कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम किससे प्रोटेक्ट हो सके, वायरस से प्रोटेक्ट हो सके। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम भी इसने यहाँ पे बताए हुए हैं बेटा, नॉर्टन है, कैस्परस्का है, मैकफ्री है, एफ सिक्योर है, एविजी है, K7 एंडपॉइंट सिक्योरिटी है। ये सारे क्या हैं बेटा, एंटीवायरसेस के आपके कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं।
उसके बाद आता है बेटा यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बेटा यूज़ करना है तो आप क्या करोगे। सो बेटा फॉर एग्जांपल इसने एक एंटीवायरस लिया है कैस्परस्काई सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन अप करते हो तो वहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो आपके पूरे सिस्टम को क्या करता है, स्कैन करता है। एंड अगर कोई वायरस होता है तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि आप उस वायरस को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। आपको सबसे पहले उसे अपने सिस्टम के अंदर अच्छे से इंस्टॉल करना होगा एंड उसको रनिंग में लेके आना होगा। ओके, सो ये आपका टॉपिक था। थैंक यू।